नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के सीएम नाब सिंह सैनी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के पठानकोट पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और साथ ही जनता को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने आम आदमी पार्टी और एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि यह गठबंधन जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है और इसकी नीति और नियत ठीक नहीं है। और साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और कई जेल की हवा भी खा रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इनकी नीयत भी ठीक नहीं है, इनकी नीति भी ठीक नहीं है, इनका नेतृत्व का तो पता नहीं कौन है कौन नहीं है। ऐसी हालात इन लोगों की है और ये लोग देश के अंदर भ्रष्टाचार के लिए वोट मांगते हैं। देश के अंदर जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों के साथ बैठ करके ये चाय पानी करते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। अभी जो व्यक्ति यहाँ पर लोगों को सुरक्षा देने की बात करके पंजाब के अंदर सत्ता में आया है, वही व्यक्ति आज बोलता है कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई है। तो फिर आपने वोट किस लिए लिया था, किस आधार के ऊपर वोट मांगा था? आज पंजाब के लोग इस बात को जानना चाहते हैं। आपको बताना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जिम्मेवारी ये इस सरकार की है, परंतु किस प्रकार के इनके मंत्रियों की वीडियो वायरल हो रही है, किस प्रकार की घिनौनी हरकतें भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, इसके मंत्री स्वयं जेल के अंदर चले गए हैं, इनका सरगना वो जेल के अंदर पड़ा है। भाइयों, ये लोग देश और प्रदेश को लूटने के लिए आते हैं, ये विकास के लिए नहीं आते। सातवें चरण के चुनाव के लिए क्या कहेंगे इस तरीके? मैं सभी पंजाब के लोगों के और जो सातवें चरण के अंदर जो वोटिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, उन सब से अपील करना चाहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को मजबूती की तरफ ले जाने का काम करें और कमल के फूल मोदी जी को राष्ट्र हित के अंदर वोट देने का काम करें। ये अपील मैं सभी से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय करण कमल में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कई मुद्दों पर भी चर्चा की। देखिए, चुनाव का अभियान बहुत अच्छा चला और 25 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ। सब कार्यकर्ताओं से हमारा मिलना जुलना चल रहा है और मैंने आगे दो दिनों के लिए कार्यकर्ताओं की बैठकें भी रखी हैं, एक और दो तारीख को, ताकि सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो हमारा कार्डर है और बाकी वहाँ के लोग जनता के भी धन्यवाद कर सकूँ। और बहुत अच्छा संपन्न हुआ, हमने एक रिव्यू मीटिंग भी की है और सब तरफ का जो रिपोर्ट्स है बहुत अच्छे रिपोर्ट्स आई है। पूरी 10 लोकसभा सीटें और विधानसभा का नाम 3-11 के 11 का प्रमुख लगता है। सर, बोगस वोटिंग का आरोप लगाया है आपने, देखिए कुछ जगह की शिकायतें आई हैं और उसमें प्रशासन के लोगों की भी शिकायतें मिली हैं, तो जो शिकायतें मिली हैं उसमें अगर उचित होती है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ ना कुछ ऐसी काली बैठे जरूर होती है, उसको मौके पर कई बार नहीं पता लगता, देर से पता लगता, बाद में रिपोर्ट आती है, तो 6 तारीख के बाद उन सबकी ओर से ज्ञान लेने वाले। के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। बोगस वोटिंग को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एक्शन लेने वाले के पास अधिकार भी होना चाहिए। किस अधिकार से एक्शन लेने की बात बीजेपी वाले कर रहे हैं? और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार उनकी थी, पोलिंग एजेंट भी उनके ही थे, और तो बोगस वोटिंग का सवाल कहां से आ गया? इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में क्लीन स्वीप होने वाला है। बोगस पर
लगातार सियासी पारा बढ़ा हुआ है और इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी बौखला गई है और सरकार अल्पमत में है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बोगस वोटिंग में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई के बयान से अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली है। फिलहाल मनोहर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं, साथ ही उन्होंने 1 जून से कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करके उनका आभार व्यक्त करने की भी बात कही है। विधायक श्री राकेश भौतवाद की वजह से निधन हुआ है, बहुत ही हमारे जिला के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, धार्मिक व्यक्ति थे, लोगों में बहुत लोकप्रिय थे। उनके निधन से बहुत हमारे दक्षिण हरियाणा की राजनीति को बहुत अच्छा पहुंचा है। उनके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपकी संवेदना प्रकट करता हूँ और शोक संतप्त परिवार से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको चरणों में सलाम दे और उन्हें जो भीषण संकट आया परिवार को उनको सैनिक शक्ति प्रदान करें। साथियों, भी कल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहने को पूर्व मुख्यमंत्री अगर अभी तक वही सर्वे सर्वा माने जा रहे हैं, वो कल यहाँ गुड़गांव में आए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने कहा कि सिरसा और रोहतक में विपक्ष ने बूथ कैप्चर किया और उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दोषारोपण किया गया कि बोगस वोटिंग कराई गई। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक वरिष्ठ जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश के, उनके द्वारा लगाए जाने से ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो कितने इस चुनाव से ऐसे है हो चुके हैं। वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं बोगस मतदान का, जबकि सारे अधिकारी उनके द्वारा तैनात किए हुए हैं, सारे कर्मचारी उनके द्वारा तैनात किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन भी उनकी कठपुतली बनी हुई है। उसके बावजूद जो विपक्ष को कहना चाहिए था, उन्होंने कहा इससे ये संकेत हमें अवश्य मिलता है कि जरूर इन्होंने जैसे पिछले चुनाव में गड़बड़ी करके दीपेंद्र हुड्डा जी को जैसे हराने का काम किया था, इनकी अभी भी मंशा ये हो सकती है, तो बहुत सचेत रहने की जरूरत है हमें भी और इलेक्शन कमीशन को भी। हम अवश्य बात करना चाहेंगे कि जो काउंटिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, अपने भी हम जानते एजेंट को हम सतर्क करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते। अब 9.5 साल का शासन करने के बाद में वो उपलब्धि बता रहे हैं गुड़गांव के अंदर। चरखी दादरी के गांव डोरंगाबास राजपुतान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई घर के आग की चपेट में आ गए और आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ और इतना ही नहीं, आग की चपेट में आने से कई बकरियों की भी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ओपन केबल है, स्पार्किंग हुआ यहाँ पे, एक बार पहले स्पार्किंग हुआ था, आग लगी थी तब भी सब काबू पा लिया था, बताया भी गया था। आज फिर स्पार्किंग से आग लगी है, पूरी आग फैलती घरों के अंदर तक गई है, पानी की कमी थी, फायर ब्रिगेड भी लेट आई है और यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ घरों में, माल की बहुत ज्यादा हानि है। न्याय की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल गरीब है, सारे लोग है, दुखी में रहने वाले आदमी है। पार्किंग से इसमें स्पार्क हुआ, आग लगी यहाँ पे, बहुत नुकसान हो गया, काफी घरों को नुकसान हो गया और फायर ब्रिगेड को भी फोन किया, बहुत लेट पूछी, अब आग पे काबू पा चुका है, पाया गया है। माल माल की तो नहीं, बाकी घरों का नुकसान हो गया, माल के घर जल गए। प्रशासन से है जो गरीब बस्ती को नुकसान हुआ है उसको वादा भी करी जाए।
बाबा अगर फोन में प्राण कर तो अम्बाला में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि अम्बाला से शामली निर्माणाधीन नेशनल ग्रीनफील्ड हाईवे में एंट्री कट बनवाया जाए, और जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने धरना दिया। किसान नेता ने बताया कि निर्माणाधीन मार्ग इंद्री के कई गांव से गुजर रहा है। आसपास के 35-40 गांवों के पंचायतों ने एंट्री कट को लेकर प्रस्ताव डाला है और वे कई अधिकारियों से इस बारे में मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमनों ने एमपी संजय भाटिया को दिया, एमपी प्रदीप चौधरी यूपी से जो करियाना सीट से है उसको दिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारा बैठता है उसको दिया। ठीक है, संजय भाटिया ने तो कार्रवाई की उसके ऊपर, 17 जनवरी 2023 को उन्होंने उसको आगे एनएचएआई को गडकरी साहब को रिकमेंड किया, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रिकमेंड किया। लेकिन उसके बाद हमारी दूसरी समस्याओं के कारण फिर हम इसको ये लंबित रखना पड़ा, क्योंकि आपको पता है भी पहले यहाँ पे भी एजिटेशन हुआ था ना, तो उस समय हमारी दूसरी मांगे थी, जमीन की कॉस्ट के बारे में थी, कुछ नंबर रह गए थे उनके बारे में थी। तो अब हमने इसको दोबारा शुरू किया है, क्योंकि हमारे जो गाँव की जमीन है यूपी में भी है, यूपी वालों की साइड भी है, तो आने जाने का कोई साधन नहीं बनता। तो इसलिए हमारा जो बिजनेस है किसानी का बिजनेस है, मजदूर भी हमारे साथ जाएगा हमारे खेत में, तो उधर से आने जाने की जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल खत्म है। दूसरा जी, ये जो रोड है यमुना नगर से करनाल तक 70 किलोमीटर की लंबी रोड है जी, और इसमें लोड इतना ही है ट्रैफिक का जितना स्टेट हाईवे पर होता है। गर्मियों की छुट्टियां होते ही रेलवे ने कमर कस ली है और ट्रेनें साथ ट्रेनों में कोच बढ़ाने की तैयारी भी कर ली गई है। वहीं ट्रेनों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते रेलवे एसआर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि रेलवे की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस के लिए समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। कुछ ट्रेनें अनाउंस हो गई हैं और तो कुछ ट्रेनें प्रपोजल के लिए हैं, और साथ ही वे भी अनाउंस हो जाएंगी। और साथ ही गर्मियों को देखते हुए यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था, कैटरिंग की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। यात्रियों को टिकट बुकिंग या रिफंड में परेशानी ना हो, इसके लिए डिजिटल पेमेंट यूपीआई के माध्यम से इनकी भी व्यवस्था की गई है। ये हमारी अलग अलग स्तर की तैयारियां हैं, जैसे जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उसमें जिन ट्रेनों में कोच ऑगमेंटेशन फिजिबल है उसमें हम कोचों की संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ ईस्ट बाउंड और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके लिए हम समर स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। कुछ ट्रेनें अनाउंस हो गई हैं, कुछ ट्रेनें अभी प्रपोजल गई हैं और वो भी अनाउंस हो जाएंगी। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए अभी गर्मियों में जैसे स्टेशन्स पे पानी की व्यवस्था है, कैटरिंग की व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। साथ ही स्पेशल काउंटर्स जो हैं टिकटिंग के लिए उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रियों को टिकट बुकिंग में या रिफंड में खास करके जनरल क्लास में उसमें परेशानी ना हो, इसके लिए हमने वहाँ पे डिजिटल पेमेंट जो है यूपीआई के माध्यम से इनकी भी व्यवस्था करी। अम्बाला में पिछले कई दिनों से हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। अम्बाला का तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा है और साथ ही भीषण गर्मी का असर लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने आप को पूरी तरह से ढक कर निकलें और पानी की बोतल साथ रखें, तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हीट वेव से बचा जा सके। वहीं गर्मी को देखते हुए बहुत सी संस्थाओं द्वारा पानी की छबील लगाई जा रही है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। लोगों ने भी उनके इस पहल के लिए धन्यवाद दिया। रास्ते में इन्होंने ठंडे पानी की छबील लगाई हुई है और गर्मी से राहत के लिए पानी पिलाया जा रहा है। ठंडे पानी गर्मी बहुत हो रही है, सबको बड़ी परेशानी हो रही है। बहुत अच्छा पुण्य का काम करते हैं, पानी पिला रहे हैं, बहुत पुण्य का काम। गर्मी बहुत बढ़िया सर, गर्मी के लिए बहुत बढ़िया तोहफा दे रखे हैं भाइयों को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। गाँव देखा कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं।
कि आज आप लोग देख पा रहे हो कि इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, 45 के पार टेम्परेचर जा चुका है। तो इसी के चलते हुए हमारे ऑफिस में, डीवीपी ऑफिस हमारा, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल पाए, इसलिए हमने थोड़ी सी पहल की। अभी जैसे जैसे हमारा आगे प्रोग्राम बनेगा, जो भी हमारी टीम रहेगी ऑफिस रहेगी, उसके प्रति हम आगे और भी ये सेवा करते रहेंगे। प्रदेश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण जहां आमजन जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं पशुओं पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। बढ़ते पारे के चलते दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन पर भी इसका खासा असर पड़ा है। दुधारू पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालक जहां पंखे, कूलर और पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं देसी नुस्खों से भी अपने पशुओं को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। करनाल में डेयरी चलाने वाले पशुपालकों ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से उनके दूध उत्पादन में 30 से 40 डिग्री की कमी आई है और उन्हें अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। पशुओं पर इस टाइम ये गर्मी की बहुत तगड़ी मार है। अगर पशु को ना एक घंटा भी बच्चे की तरह ना देखेंगे तो पशु बीमार हो जाएगा, दूध नहीं रहेगा। अभी भी इतनी देख रेख करते करते भी 40% दूध घट चुका है नहीं? और आजकल चारा भी कम हो जाता है, अगर थोड़ी मक्खी आती है उसमें गर्मी होती है, वो भी नुकसान करता है। इसलिए हमने तो अपना ये साइलेज मंगाया हुआ है, साइलेज डाल रहे हैं, सरसों की खल डाल रहे हैं, पंखे लगा के दिन में 3-3 बार नहाते हैं, तब थोड़ा बहुत इनका रोकथाम होती है डंगर को। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों की तरह ये रखने पड़ते हैं। गर्मी तो भी बहुत है जी, गर्मी के चक्कर में तो डंगर बहुत परेशान हो जाता है, सारा दिन पंखा लगा रहते हैं, फिर 2-3 बार नहवाना धोवाना, देख रेख बहुत बढ़िया करना, और परेशानी ज्यादा पड़ेगा डंगरों को। अभी हमें भी डंगर लेके समय से घास या वो बहुत डंगर गर्मी की वजह से खा भी नहीं रही, अभी दूध का भी प्रॉब्लम पड़ गया है, 3-4 टाइम नहवाना होता है, देख रेख में ज्यादा ये भी परेशानी है जी। दूध में भी कमी आ रही है जी। हाँ जी, जो दूध 14-15 किलो आ गई 10 किलो पे, 8 किलो पे आ गई गर्मी की वजह से। बहुत देखभाल करते हैं जी। गर्मी के मौसम को देखते हुए जैसे प्रकोप है, अब की बार कुछ ज्यादा ही है, पशुओं को एक तो हमें छायादार जगह पे रखें और डायरेक्ट लू से बचाएं पशुओं को, और धूप में जाने से बचाया जाए उनको, और अंदर भी जब हम बांधते हैं तो एक ह्यूमिडिटी से बचाया जाए, इसको हम घोट भी बोलते हैं, उस घोट से बचाया जाए, और डायरेक्ट लू से और धूप से बचाया जाना पशुओं को जरूरी है। दूसरा यह है, चारे का जो उनका टाइम है ठंडे मौसम में देने का कोशिश करें, गर्म मौसम में ना दें उनको, और चारा थोड़ा सा हल्का दिया जाए ताकि पचाने में उनको असुविधा ना हो कोई, क्योंकि इस वक्त चारा भी। कुरुक्षेत्र डिपो की बस के ब्रेक फेल होने से बस चालक ने बस को सड़क के साइड में खदानों में उतार दिया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई भी जान मान का नुकसान नहीं हुआ और बस में सवार लगभग 45 सवारियों में से 2 से 3 सवारियों को ही मामूली चोटें आई हैं। और बस चालक धर्मवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही वो कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ के लिए बस को लेकर चले थे, उस समय बस के ब्रेक बिल्कुल ठीक थे, और जैसे ही वो नेशनल हाईवे 44 पर गाँव रतनगढ़ के पास पहुंचे तो बस के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद बस चालक ने समझदारी दिखाते हुए बस को सड़क के साइड में खदानों में उतार दिया। तो चंडीगढ़ के लिए जैसे ही यहाँ शाहबाद के कट के आसपास पहुंचे तो आगे गाड़ी चल रही थी, मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी के ब्रेक मिस हो गए, गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं किए, बिल्कुल जीरो हो गए। तो गाड़ी के बचाव में मैंने साइड में गाड़ी को उतारना पड़ा सवारी, ताकि कोई नुकसान ना हो। सामने आगे टक्कर ना लगे आपने? हाँ सामने बस, ये तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान जैसे साइड वगैरह गिरा कोई। कितनी सवारियां थी इसमें? सवारी समथिंग सर होंगी कोई 40-45 के आसपास। किसी को कोई चोट नहीं, वैसे थोड़ी बहुत क्रोच वगैरह वो कोई दिक्कत नहीं, सभी को अपने दूसरी बस रखवा करके आगे अपने गंतव्य भेज दिया। सर ये कुरुक्षेत्र डिपो की बस है।
पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कुरुक्षेत्र जिला स्थित पुलिस लाइन में अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल शिवास कविराज, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया और साथी उपस्थित रहे। और वहीं इस दौरान डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत के साथ कपूर का स्वागत किया। इस अवसर पर शत्रुजीत कपूर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ई लाइब्रेरी वर्तमान समय की मांग है। यहाँ उपलब्ध करवाई जाने वाली पाठ्य सामग्री से विद्यार्थियों को सीखने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और इसी के साथ पुलिस विभाग ने इस पहल के माध्यम से बच्चों को अध्यापन के लिए अनुकूल वातावरण देने की भी कोशिश की है। लाइन में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला। बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई गई है और बहुत अच्छी कलेक्शन बुक्स की है और बहुत सारे वाइड रेंजिंग टॉपिक्स पे बुक्स हैं। यहाँ पे कुकरी पे भी हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस पे भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों के लिए, हमारा डीएवी स्कूल है यहाँ पर और कॉलोनी है, उन सब बच्चों के लिए ये एक यूथ एक्टिविटी का हब बनेगा और यहाँ पे बच्चे पढ़ के और तरक्की करें। कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के साथ 4 ठेकेदार शामिल हैं। और वहीं मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल यूनिट के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2021 में कैथल के विधायक लीला राम ने एक शिकायत दी थी, जिसमें जिला परिषद में हुए सफाई घोटाले को लेकर जिक्र किया गया था। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की जांच कर रही थी और जिसमें ये सभी लोग दोषी पाए गए और उनकी एफआईआर दर्ज हुई थी। साथ ही इन लोगों ने सफाई के कार्य में फर्जी बिल बनाकर फर्जी मस्ट्रोल तैयार किए और जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों ने फर्जी बिल तैयार करके अपने अपने खातों में पैसे डलवा लिए और जिसमें 15 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। मैं इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, एंटी करप्शन ब्यूरो यूनिट कैथल से हूं। जी, आज क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या घोटाला? ये साल 2021 में श्री लीला राम विधायक हैं कैथल से, उन्हें सरकार को एक शिकायत दर्ज कराई थी। जो सफाई का पैसा आया था गाँव में, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ था, उस पर हरियाणा सरकार ने जाँच दर्ज करके एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच सौंपी थी। उस जांच में काफी हद तक सच्चाई सामने आई थी, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो थाना अंबाला में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश में कर रहा हूं। आज इसमें 7 जो आरोपी थे वो आज इसमें राउंड अप कर रहे हैं, उनसे पूछताछ करें, उनको गिरफ्तार करेंगे। हरियाणा के यमुनानगर में 3 दिन पहले बुढ़िया थाना क्षेत्र में गांव दड़बा के पास फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी विनीत के साथ बदमाशों ने लूट की और उसे चाकू दिखाकर बदमाशों ने उससे नकदी और मोबाइल लूट लिया। बाद में उसे नहर में धक्का देकर फरार होने वाले आरोपियों को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वारदात हुई थी, जो कि विनीत नाम का लड़का था, फतेहपुर गांव का रहने वाला था। ये रात को अपना काम खत्म करके अपना वापस गांव जा रहा था, तो रास्ते में इसको एक लड़के ने रोका, जिसका नाम किरण था। तो उसने इससे लिफ्ट ली, तो आगे फतेहपुर पुल पे जब ये पहुंचे तो आगे 2 लड़के और खड़े थे, जिन्होंने इसको रोक के कोई हथियार, कोई नकेली चीज़ थी, कोई हथियार नुमा कोई चीज़ दिखा के, तो इससे कोई एक मोबाइल फ़ोन लूट लिया एप्पल का, 11,500 रुपये थे, और इसकी चैन छीन ली और इसको उन्होंने उठा के नहर में फेंक दिया। तो जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया, तो कल हमने इसमें 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है। हिसार के आदमपुर के गांव सलीमगढ़ में एक मकान में सिलेंडर गैस लीक होने के बाद फट गया और इसमें 2 परिवारों के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए और साथ ही दंपत्ति की हालत चिंताजनक होने पर उसे एम्स रेफर कर दिया गया, जबकि 3 पीड़ित कैमरी रोड स्थित बर्न अस्पताल में उपचाराधीन हैं। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार ये मकान निहाल सिंह जांगड़ा का मकान है और वहीं मकान के बाहरी कमरे में 5 किलो का
छोटा गैस सिलेंडर रखा था। अचानक उससे गैस लीक होने पर आग लग गई, जिसके बाद परिवार ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मकान में नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जिंदगियां खतरे में होने से गांव में मायूसी है। और इस घटना का पता चलने पर सदर थाने से पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। देखिए, ये जो उसी है, जांगड़ा का मकान है, उसमें सिलेंडर में जैसे आग लगी वहां से शोर आना शुरू हुआ, चीख पुकार शुरू हुई। तो मेरे ताऊजी हैं, सगे ताऊजी है, मेरे ताऊजी का लड़का है और उनकी मिसिज है, ये बिल्कुल एक ही दीवार लगती है। ये एकदम से जैसे ही देखने के लिए गए कि किस बात का शोर है, क्या हुआ है, क्या नहीं, तो जैसे ही इन्होंने गेट अंदर से गेट खड़का के जैसे खुलवाया है, कुलदीप की घरवाली ने गेट खोला है, गेट खोलते ही जैसे ही इन्होंने इंटर अंदर किया है, एकदम बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ है। सर, ये क्या है कि अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट में सलेमगढ़ गांव है, सलेमगढ़ गांव की घटना है ये। मैं तो सिरसा से हूँ, सिरसा से मेरा पीली बंदोरी गांव है, मेरे बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार है, बड़े भाई है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है। क्या हुआ कि सलेमगढ़ गांव में जांगड़ा परिवार के अंदर एक कोई 5 लीटर का सिलेंडर था, उस सिलेंडर में कोई लीकेज चल रही थी और इस बात का पता नहीं चला, रही इत्तेफाक से लाइट वाली बटन ऑन की और उसका शॉर्ट सर्किट ऐसे हुआ कि वो एक बम का रूप ले लिया। आमतौर पर यहाँ शहर के अंदर पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन हमारे गाँव की जो रीति रिवाज है वो एक दूसरे के काम आना वो एक बहुत अलग चीज है। तो 5 मरीज बड़ी सीरियस हालात में आए थे, 2 मरीज उसमें से चले गए यहाँ से और 3 मरीज अभी हमारे पास भर्ती हैं। 3 में से 2 की हालत काफी गंभीर है और 1 मरीज है उसकी हालत कुछ स्थिर है। बाकी जो 2 मरीज भी यहाँ से गए उनकी कैसे है? वो भी हालत बहुत गंभीर थी। उनका हायर सेंटर में रेफर नहीं, हमने रेफर नहीं किया, वो अपनी मर्जी से लेकर गए। बर्न मतलब ये जो सिलेंडर जैसे गैस ब्लास्ट हुआ, उसका वीडियो भी आ रहा है सामने, तो गैस ब्लास्ट तुरंत 1 सेकंड के अंदर ये मतलब जो है आग लगी, तो कितनी सीवियर इंजरी उससे रहती है गैस ब्लास्ट से? देखो, कुछ सेकंड्स में फ्लेम की जो इंजरी काफ़ी सीवियर हो जाती है, तो ज़्यादा हो तो कई मरीजों में तो बहुत डीप बर्न्स गए हैं, तो इसका मतलब कुछ ज़्यादा देर कॉन्टैक्ट में भी रहे हैं फ्लेम्स के साथ, या जब कपड़े जल जाते हैं तो उनमें जो आग चलती रहती है उससे भी बर्न सीवियर हो जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey look, I can